हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर नवमी के दिन माता के प्रसाद की थाली तैयार कर रहे हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर बनाई है पूरियाँ, चने और खीर। तो आज हम यहाँ पर आपको माता के प्रसाद में चढ़ने वाले चने बताने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने ये चने लिए हैं जिसे ओवरनाइट सोक किया है। ये हमारे देसी चने हैं जिन्हें मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और इन्हें मैंने धोकर ले लिया है। अब हम इन्हें कुकर में डाल देते हैं और बहुत ही लिमिटेड सा पानी हम इसमें डालेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पर नमक डाल रही हूँ और आप इसमें पानी डालिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा ही पानी डालिए जिसमें ये बस उबल जाए। तो ये हो चुका है। अब हम इसका थोड़े से मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो हम इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। तो देखिए हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने जो चने हैं वो भी चेक कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप उसे प्रेस करके चेक कर लीजिए हुए हैं या नहीं। ये डेफिनेटली एक सीटी पर बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। और अब इसे बनाने के लिए मैंने साथ ही साथ यहाँ पर लिया हुआ है कटे हुए अदरक और हरी मिर्च ली हुई है, इसे मैंने लंबा कट किया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है। पैन में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हमने ज़ीरा डाल दिया है सबसे पहले, जो ज़ीरा थोड़ा सा क्रैकल हो जाए। उसके बाद हम इसमें अपनी कटे हुई जो अदरक और हरी मिर्च है वो डालेंगे। अदरक और हरी मिर्च से इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो आप इसे ज़रूर डालिए। तो जैसे ही अदरक थोड़ी सी पक जाएगी, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें अपने सूखे मसाले डालेंगे। और सूखे मसालों में हम डालेंगे हमारा हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और अमचूर पाउडर। तो सॉरी, ये मैंने डाल रिकॉर्ड करना स्किप हो गया है ये। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल दी है हल्दी, अमचूर पाउडर और यहाँ पर मैंने अभी अभी डाला है धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल दीजिए और बहुत ही धीमे आंच पर आप इसे पकाइए, वरना आपके मसाले जल सकते हैं। तो हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने चनों को उबालते समय ही उसमें नमक डाला था, तो हमें इसमें नमक डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आप पानी सहित पूरे चने इसमें डाल दीजिए क्योंकि पानी में उसका सारा फ्लेवर है, तो हम पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, पानी भी इसमें डाल देंगे और इसके पानी के पूरे ड्राई होने तक हम इसे पकाएंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका जो पानी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है, ये देखिए। तो ये बस बन करके बिल्कुल रेडी है ये, और बस हमें इसे गार्निश करना है। और आप इसे एक बार ज़रूर ऐसे बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसमें और फ्लेवर तो इसका लाजवाब होता है और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना खा लूँ इसे। तो ये बहुत ही अच्छा सा स्वाद है इसका। तो बस अब हम इसे धनिया से गार्निश कर देते हैं और ये हमारे सूखे चने जो हैं, जो माता को चढ़ाए जाते हैं प्रसाद में, वो बन करके बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरीके से आप भी बनाइए माता को भोग लगाने के लिए। तो देखिए बहुत ही डिलीशियस से हमारे जो चने बन करके बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने माता के प्रसाद की पूरी थाली जो तैयार की है यहाँ पर, चने पूरी और खीर बनाई है।